अरे यार, तू मुझे एक बात बता सकती है? जैसे ही मैं घर पे आती हूँ ना, मेरा मूड खराब हो जाता है और मेरा ना कुछ काम करने का ही नहीं मन करता है। अच्छा, जब तू बाहर से आती है तो तेरा घर में आके ऐसा मूड हो जाता है? हाँ, ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा एनर्जी लेवल ही डाउन हो गया, और एक अजीब सा बाहर से अच्छे से लौट के आओ, खुश हो गए, और घर में आके ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ आ गए। अच्छा, तो तू कहना चाहती है बाहर तो खुश रहती है और घर पे आके तेरा मूड खराब हो जाता है और तेरा किसी काम में मन नहीं लगता है, यही बात है ना? चल, मैं आज बताती हूँ तुझको इन सब चीजों से निकलने के लिए क्या हमको करना चाहिए। नमस्ते एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू होम एंड हॉबीज। आशा करती हूँ आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। हम सभी अपनी माइंड, बॉडी और सोल से हमेशा खुश और हेल्दी रहना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभी कुछ चीज़ों के इम्बैलेंस या कह सकते हैं कि ध्यान ना देने की वजह से हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है, वर्क प्लेस पे या हमारे घर में, जिसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते और परेशान होते रहते हैं कि हम इनको रिमूव करने के लिए क्या करें। आज के वीडियो में मैं आपसे ऐसे ही कुछ बेसिक पॉइंट, बहुत ही इजी पॉइंट हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, बताने जा रही हूँ, जिससे कि आप अपने घर को, अपने आप को, अपनी वर्क प्लेस को, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं और पॉजिटिविटी फील कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पॉजिटिविटी से भरा हुआ वीडियो। तो सबसे पहले मैं आज आपको एक मैजिक ट्रिक बताने वाली हूँ, जिसको आप आज ही यूज़ करिएगा और आपको फौरन पता चलेगा आप कितना पॉजिटिव फील कर रहे हैं और कितना अच्छा आपके घर के अंदर वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएगा। आप अपने घर की किसी भी ड्रॉअर को या कबर्ड को या स्टोरेज एरिया को, जिसको आपने बहुत टाइम से खोला नहीं हो ना, उसका सारा सामान बाहर निकालिए अभी के अभी, और उसको या तो डिस्कार्ड करिए जो यूज़ में नहीं आ रहा है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो किसी नीडी को दे सकते हैं तो डोनेट कर दीजिए, या फिर अगर आपको रखना ही है तो उसको ऑर्गेनाइज करके देखिएगा और देखिएगा कैसे आपको एकदम से कितना अच्छा एनर्जी का बूस्ट मिलता है और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। आज ही करके देखिए, आई बेट आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा। सेकेंड पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ, वो शायद आपको पता भी होगा लेकिन फिर भी हम लोग उसको भूल जाते हैं या ध्यान नहीं देते, वो है अपने घर से ब्रोकन ग्लासेस या ब्रोकन मिरर को फौरन ही हटा दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए, कोई भी उनके साथ में अटैचमेंट मत रखिए। होता है कभी कभी, मेरे साथ भी बहुत होता है कि बहुत शौक से कोई हमने क्रॉकरी लाई होती है या कोई डेकोरेटिव पीस होता है, या फिर हम किसी चीज़ से इमोशनली अटैच होते हैं कि नहीं, ये हमको किसी ने गिफ्ट किया था, और वो टूट जाता है। हम सोचते हैं कि हाँ, हम इसमें फेविक्विक लगा के इसको यूज़ कर लेंगे या फिर कुछ और वे में यूज़ कर लेंगे, लेकिन आपने सुना ही होगा ना कि अगर कांच में एक बार दरार आ जाती है तो कभी भरती नहीं है, और उसी जो टूटा हुआ पार्ट होता है उससे हमेशा नेगेटिव एनर्जी ही निकलती है। फेंग शुई में भी बोलते हैं नेगेटिव चीज़ इसको बोलते हैं, वो निकलती है। इसीलिए आज से कोई भी जो आपके घर में ब्रोकन ग्लास या मिरर रखा हो, उसको फौरन हटा दिया करिए, घर में मत रखिए, इससे घर के अंदर नेगेटिविटी ही इंक्रीज होती है। तो ये टिप भी आप ज़रूर फॉलो करिए। नेक्स्ट पॉइंट पॉजिटिविटी के लिए है, आपके घर में चाहे जितने भी प्लांट्स हो, छोटा से आपने इंडोर प्लांट्स रखे हुए हो या आउटडोर प्लांट्स हो या आपका बड़ा सा गार्डन हो, जो भी प्लांट्स हैं उनको एक मेंटेन करने का एक रूटीन रखिए। मैंने एक अपने पिछले वीडियो में बताया भी था कि हाउ डू आई मेंटेन माई प्लांट्स, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, लिंक मैं आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगी। लेकिन प्लांट्स को अपने मेंटेन ज़रूर रखिए, जैसे भी करके टाइम निकालिए, हफ्ते में एक दिन, 10 दिन में एक बार उनकी जो सूखी लीव्स हैं उनको क्लीन करना। जैसे हम अपनी केयर करते हैं वैसे ही हमको अपनी प्लांट्स की भी केयर करनी चाहिए, जैसे हम शैम्पू करते हैं अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं, वैसे ही हमको प्लांट्स का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो भी एक लिविंग क्रिएचर ही है और उनसे भी एनर्जी का फ्लो होता है घर के अंदर। आप खुद ही चेक करके देख लीजिए, आप किसी एक मुरझाए हुए सूखे हुए प्लांट को देखेंगे उसको देख के आपको कैसा लगता है, और एक सुंदर सा लश ग्रीन प्लांट आप देखेंगे तो आपको कैसा लगता है। तो हमेशा अपने प्लांट्स को भी अच्छे से मेंटेन रखिए, उससे भी आपके घर के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन रहता है, एयर का सर्कुलेशन रहता है, प्योर एयर का सर्कुलेशन रहता है, और डेफिनेटली ये सब चीज़ें आपके माइंड और बॉडी के लिए हेल्दी ही होती है। दिस लीड्स टू माई नेक्स्ट पॉइंट कि हमेशा अपने घर की डस्टिंग और वेब क्लीनिंग टाइम टू टाइम करते रहिए।
अगर कहीं पे भी आप जाएंगे देखेंगे कि वहाँ की सरफेस के ऊपर डस्ट लगी हुई है या कोई चीज़ साफ़ नहीं हुई हुई है, तो आपको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, कभी भी नोटिस कर लीजिएगा। उसी तरह से कभी भी अपने घर में जाले मत लगने दीजिए, जाले कभी भी अच्छे नहीं होते घर में लगने। तो आप, मैं ये नहीं बोलती हूँ, आप डेली ये काम करिए, एक अपना एक ऐसा शेड्यूल बना लीजिए, रूटीन बना लीजिए कि वीक में मुझको इस दिन अपने प्लांट्स की सफाई करनी है, इस दिन अपने घर को क्लीन करना है, इस दिन मेरे को अपने घर की सारी बेडशीट्स चेंज करनी है। इस तरह से आप अपनी डेली लाइफ में इस तरह के चेंजेस करेंगे तो आपके घर में कभी भी नेगेटिविटी आएगी ही नहीं, आपका घर पॉजिटिविटी से भरा रहेगा। डेली जो रेगुलर हमारी सरफेसेस होती हैं, टेबल्स हैं या डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, इस टाइप का जो ओपन सरफेस होती हैं जो डेली कॉन्टेक्ट में आती हैं, उनको आप रेगुलर क्लीन करिए। डेली कई बार दो बार भी करनी पड़ जाती है, लेकिन बाकी की सर्फेसेज हैं, आपके घर के कॉर्नर्स हैं, फैन है, लाइट है, इन सब में बहुत ज़्यादा डस्ट और वेब एक्यूमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी एक्यूमुलेट उनके अंदर होना शुरू हो जाती है, और अगर हम उनको टाइम टू टाइम क्लीन नहीं करेंगे तो वो बढ़ती ही जाती है। तो इस टिप को भी आप ज़रूर फॉलो करिए, एक रूटीन में लाइए चीज़ और अपने लाइफ में चेंजेस देखना शुरू करिए। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप चाहे किसी भी टाइम उठें सो के, लेकिन आपको उठने के बाद में अपने घर की सारी विंडोज और डोर को कुछ टाइम के लिए, मैं तो पूरा दिन ही अपनी विंडोज घर की ओपन रखती हूँ, लेकिन अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है डोर या विंडो हर समय ओपन रखने का, तो एटलीस्ट 2-3 आवर्स अपने घर की सारी विंडोज़ को ओपन करके रखिए, क्योंकि रात को जितना एयर एक जगह पे ही पूरा आपका सर्कुलेट हो रही है वो आपको एक नेगेटिव एनर्जी ही देगी। आप विंडोज़ ओपन करेंगे, डोर ओपन करेंगे, उससे एयर का सर्कुलेशन घर के अंदर बढ़ जाएगा और जो पुरानी एयर है वो बाहर चली जाएगी और नई एयर, फ्रेश एयर घर के अंदर आएगी, उससे आप पॉजिटिव फील करेंगे। इसके साथ ही में नेक्स्ट पॉइंट है, सनलाइट को भी अपने घर में मैक्सिमम आने दीजिए। चाहे आपका घर किसी भी डायरेक्शन में हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वास्तु से रिलेटेड मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है घर में आने के लिए। तो घर में जितनी मैक्सिमम सनलाइट आएगी आपको उतनी ही एनर्जी फील होगी, उतनी ही वार्मथ फील होगी। इवन आपके घर के अंदर जो ये फर्नीचर होता है, मैट्रेसेस, पिलो, इन पे भी अगर सनलाइट आती है तो बैक्टीरिया से फ्री हो जाते हैं। तो आपको अपने घर के अंदर मैक्सिमम सनलाइट को आने देना चाहिए, और वैसे भी सनलाइट से हमको विटामिन डी मिलता है जो हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। तो हेल्दी बॉडी रहेगी तो हेल्दी माइंड रहेगा, और हम हैप्पी रहेंगे तो हमारी सोल भी हैप्पी रहेगी। इसलिए हमेशा अपने घर को जितना हो सके ओपन रखिए, विंडोज़ को सनलाइट को आने दीजिए, प्रॉपर सर्कुलेशन चलने दीजिए, और अपने घर में और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को फील करिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वॉच योर टाइम। हमेशा अपने घर में कभी भी बंद पड़ी हुई घड़ियाँ या क्लॉक्स, वॉल क्लॉक्स हो या वॉचेज हो, नहीं रखिए, या तो उनको ठीक करा लीजिए, क्योंकि घड़ी से बोलते हैं ना, हमको समय का पता चलता है, और घड़ी जैसे मूव करती है उसी तरह से हमारी लाइफ भी मूव करती है। तो बंद घड़ी एक बंद समय का प्रतीक होती है, इसीलिए हमेशा अपनी घड़ियों को चलता हुआ रखिए। अगर आप सारी घड़ियां जैसे यूज़ नहीं करते हैं, जैसे रिस्ट वॉचेज हो जाती हैं, बहुत सारी हो जाती हैं घर में, या क्लॉक्स कुछ ऐसी हैं जो आप सारी यूज़ नहीं कर रहे हैं और बंद पड़ी हुई हैं, तो उनको आप किसी बंद बॉक्स में, किसी बॉक्स में बंद कर दीजिए, और ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर वो सामने नहीं आए। किसी स्टोरेज अपने एरिया में ऐसा रख दीजिए कि कभी यूज़ करना हो तो आप उनको वहाँ से निकाल के यूज़ करिए। जो हमारे घर में क्लॉक्स लगी हुई हैं या वॉच जो हम पहनते हैं, वो कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए, और उनका टाइम भी हमेशा एक्यूरेट रखिए, जिससे कि आपकी लाइफ हमेशा एक्यूरेट रहे। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि किसी भी होली प्लेस पे हम जाते हैं तो वहाँ पे अपना जो भी फुटवेयर होता है वो बाहर ही रिमूव करने के लिए बोलते हैं। इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल और साइंटिफिक रीज़न है कि जितनी भी डस्ट, डर्ट और नेगेटिविटी है वो उस प्लेस से बाहर ही रहे, अंदर ना आए। सेम प्रिंसिपल हमको अपने घर में भी यूज़ करना चाहिए, जितना भी हमारा आउटसाइड फुटवेयर है वो हमको घर के बाहर ही रिमूव कर देना चाहिए, और घर में अगर हमको यूज़ करना है तो हमको घर के अपने पहनने के लिए अलग फुटवेयर रखना चाहिए। साइंटिफिकली भी आप अगर ये चीज़ नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे किसी भी लैब में, किसी हॉस्पिटल में या जिम में आपको आउटसाइड फुटवेयर यूज़ करने की परमिशन नहीं होती है। उसका मेन रीज़न यही होता है कि बाहर के जितने भी जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो आपके घर में या उस प्लेस पे नहीं जाए। तो इसीलिए अपने फुटवेयर को भी हमेशा घर से आउटसाइड रिमूव करिए और अपने लाइफ के अंदर चेंजेस देखिए।
तो आपने देखा कितनी सिंपल सी ये चीज़ें हैं जिनको हम अपने लाइफ में डेली बेसिस पे इंक्लूड कर सकते हैं और अपने लाइफ को पॉजिटिविटी से भर सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें आपको कुछ बाहर से लाना पड़े, कुछ एक्सपेंस करना पड़े या फिर कुछ सोचना पड़े कि ये काम करने में इतना कुछ हमको मेहनत लगेगी। कुछ भी ऐसा नहीं है, अपनी डेली लाइफ में ये चीज़ें आप इनकॉर्पोरेट करिए और देखिए आपकी लाइफ कितनी हैप्पी और हेल्दी रहेगी। आपका घर पॉजिटिविटी से भरा रहेगा, आपका वर्क प्लेस पॉजिटिविटी से भरा रहेगा। आई होप आपको ये बेसिक पॉइंट्स याद रहेंगे और आज से आप उनको यूज़ करना शुरू करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो या मोटिवेशनल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने आज से कौन से पॉइंट्स यूज़ करना शुरू करें। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में मेरे चैनल का लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही घर से रिलेटेड वीडियोस के साथ में मैं आपसे मिलती रहती हूँ, जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ एंड स्टे पॉजिटिव। बाय बाय, टेक केयर।